हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है इनके प्लेइंग 11 के बारे में। तो फ्रेंड मैंने डिटेल्स वीडियो पिच एनालाइज एंड सब कुछ के बारे में जो ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उस वीडियो में मैंने उतना ज़्यादा प्लेइंग 11 के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले ये कोई स्लैश व्लैश देखे नहीं है, कन्फर्म प्लेइंग 11 है जिसपे अराउंड जो है 90% जो है सही रहेगा। तो फ्रेंड अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो फ्रेंड सबसे पहले विकेट कीपर पर आते हैं MS धोनी। उसके अलावा यहाँ पे जो डाउट है वो है सुरेश रैना या दिनेश कार्तिक के बीच में। तो फ्रेंड ज़्यादातर चांसेस नहीं, लगभग बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सुरेश रैना को ज़्यादा मौका मिल सकता है दिनेश कार्तिक की जगह। वहीं पे शायद रोहित शर्मा जो है नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल शायद शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे, कुलदीप यादव, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार एंड शिखर धवन। तो फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉबली जो आयरलैंड की जो है प्लेइंग 11 के बारे में। तो गैरी विल्सन जो कैप्टन है, पीटर चेस जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है, जॉर्ज डकवेल जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है बहुत ही अच्छे बॉलर है, एंडी मैकेवरी, केविन ओब्रायन जो कि एक ऑलराउंडर है, विलियम पोर्टरफील्ड जो कि इनके मेन बैट्समैन है, स्टुअर्ट पॉइंटर बॉडी रैंकिंग बहुत ही अच्छे बॉलर है, फास्ट बॉलर है, सिमी सिंह जो कि एक ऑलराउंडर है, पॉल स्टेरिंग जो कि बहुत ही अच्छे हालांकि बैटिंग की कैटेगरी में है लेकिन ये भी जो है थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, और लास्ट में है जो स्टुअर्ट पॉइंटर। तो फ्रेंड मुझे लगता है आपको जो है सारी डाउट जो है प्लेइंग 11 से रिलेटेड आपको इस वीडियो पे डाउट जो सारी थी क्लियर हो गई। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।